पौड़ी जनपद में जिला योजना के अंतर्गत क्लस्टर आधारित खेती में मछली उत्पादन के नए कीर्तिमान बन रहे हैं। जहां एक ओर योजना के निर्धारित लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा रहा है, वहीं जनपद के किसान जिला योजना का भरपूर लाभ उठाकर सामूहिक खेती से जुड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि किसानों को कम लागत और कम जगह पर अधिक मछली उत्पादन करने में सहूलियत मिली है। जिला योजना के सहयोग से किसानों को न सिर्फ तालाब निर्माण में सहयोग दिया जा रहा है, बल्कि मछली पालकों को मछली बीज और गुणवत्तापूर्ण फीड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने जिला योजना में हर ब्लॉक में तालाब बनाने की कोशिश की है, जैसे पाबो और यमकेश्वर और आपका रिखनीखाल, यहाँ पर हमने क्लस्टर बेस फार्मिंग स्टार्ट की है। और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर पॉलीसीट लाइनिंग के तालाब बनाए जा रहे हैं। इससे जो है एक तो तालाब बनाने में कम लागत लगती है और किसान को जो है स्वरोजगार करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। जिला योजना से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के तहत किसानों को प्रशिक्षण और मछली पालन से जुड़ी परेशानियों के निराकरण के लिए सहयोग दिया जा रहा है। पाबो ब्लॉक के जिला योजना अंतर्गत एकीकृत कृषि में महिलाएं पुरुष मछली पालन के उत्पादन के साथ साथ अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का भी संचालन कर रहे हैं। यहाँ पे जो तालाब बने हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। पानी जो है स्रोत से निकलता है, उसी का हम लोगों ने सदुपयोग किया और हम 6 महीने से हम इस काम को करते आ रहे हैं। खेती बाड़ी करते थे, उसे बहुत नुकसान होता था ना, उसमें लंगूर बंदर सुअर खा जाते थे। तो हमारे भाई ने ये वो किया, मत पालन किया, हमें उनसे एक प्रेरणा मिली कि हम भी आपके साथ जुड़े और हम भी मछली पालन का प्रयोग करें। मत्स्य विभाग पौड़ी से हमें 2 तालाब मिले थे, उसमें 5,000 बीज मिला था और हमें 5-6 महीने में 60-70 किलो मछली बेचे। खेती में हो रहे नुकसान को फायदे में बदलने के लिए काश्तकार मछली पालन कर लाभ कमा रहे हैं। बिडोली ग्राम सभा के सफल किसान क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग के जरिए लाखों रुपए की आय प्राप्त कर रहे हैं। 3-4 परिवार मिलकर सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन और मछली पालन से अपनी आजीविका तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। मत्स्य विभाग द्वारा पौड़ी उन मेरे सहयोग करी, अभी तक तालाब बीज जाल और कई सामान दिन में थी, उनको जो चाहिए चारों उनको टाइम टाइम पर पहुँच दो, बीज टाइम टाइम पर पहुँच दो और 1.5 साल का अंतर्गत मिले कम से कम जो चाहे 1-1.5 लाख का मछली बेचें। अभी मौजूद में जो चाहे कम से कम 15-16 हज़ार बच्चा माछा छीन। मत्स्य विभाग से हमको काफ़ी सपोर्ट मिला। 100 वर्ग मीटर का तालाब है हमारा और 100 वर्ग मीटर का 2 पॉली हाउस है, 100-100 वर्ग मीटर के। तो हम लोग सब्जी उत्पादन भी करते हैं और मछलियाँ भी पालते हैं। मछलियाँ तो गांव में ही बिक जाती हैं, हमारी साल भर की इनकम हमारी 30-40 हज़ार हो जाती है मछली से। जिला योजना और कृषि भूमि संरक्षण विभाग के सहयोग से रिखनीखाल ब्लॉक के भूतपूर्व सैनिक आज 16 फिश पाउंड के साथ विभिन्न किस्म की मछलियों का उत्पादन कर 8-9 लाख रुपए कमा रहे हैं। साथ ही सामूहिक सब्जी उत्पादन कर अपनी आय में गुणोत्तर वृद्धि कर रहे हैं। सर, जो हम ये मछली पालन करते हैं, इसको हमारे यहाँ 2 सीजन का मछली होता है, एक जो गर्मियों में पाला जाता है और एक सर्दियों में पाला जाता है। तो गर्मियों की मछली को हम मार्च फर्स्ट वीक से लेकर और लास्ट तक मार्च में हमको उसको जरूरी है कि डालना चाहिए और सितंबर तक ये मछली हमारी 6 महीने में मतलब तैयार हो जाती है। तो 6 महीने में हमारे को ये मछली जब आती है हमारे पास तो छोटी सी मतलब 50 ग्राम तक की मछली आती है और ये 6 महीने में हम इसको पालेंगे तो ये 1 किलो की मच्छी हो जाती है और इसके रेट हमको गढ़वाल में अच्छे मिलते हैं कि हम 200-250 रुपए के बीच इसको बेचते हैं। शुरू किया था तो 45,000 से और 48,000 के बीच में बेचे और अभी हम फिर मैंने 90,000 से लेकर 1 लाख के बीच बेची और फिर उसके बाद मैंने 2 लाख के लगभग बेची। मेरे जो फिश पाउंड है 16 फिश पाउंड है, अगर मैं नॉर्मल मानता हूँ एक तालाब में मेरे 50,000 की मच्छी बिकती है तो 16 तालाबों में मेरे 8 लाख की मच्छी 6 महीने में तैयार होगी। विभागीय प्रशिक्षण, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग और जिला योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन का ही परिणाम है कि आज पौड़ी जनपद के किसान मछली पालन के क्षेत्र में नीली क्रांति की सफलता को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं।